आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। सो डेटा स्ट्रक्चर्स को समझने के पहले तुम्हें ये समझना जरूरी है कि असल में डेटा क्या होता है। ओके, सो डेटा आर द रॉ फैक्ट्स दैट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड टू फॉर्म एन इंफॉर्मेशन। अब फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट के जो मार्क्स होते हैं, समझो 5 सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं, वो सारे मार्क्स जो हैं वो एक तरह के डेटा हैं। एंड उस डेटा को अगर हम लोग उसके परसेंटेज निकालें तो वो परसेंटेज एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है, राइट? अगर एक और एग्जांपल दूँ, तो जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मैंने इंटरनेट से काफ़ी सारा डेटा लिया, उस डेटा को प्रोसेस किया, एंड उसमें से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो मैं तुम लोगों के सामने अभी दे रहा हूँ। सो डेटा आर द थिंग्स दैट अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जिसे हमें प्रोसेस करना पड़ता है। एंड कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करता है एंड उसे प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करता है, बट इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। ओके, सो ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो डेटा स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से कंप्यूटर की स्टोरेज से रिलेटेड है। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है, तुम्हारा जो डेटा तुम लोग डालते हो वो कैसे प्रोसेस होता है, कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है, उसके बेस पे। सो इस वजह से हमें ये जानना भी जरूरी है कि असल में जो डेटा है कंप्यूटर के अंदर वो कैसे स्टोर होता है, राइट? सो अ बिट मतलब कि जो कंप्यूटर है तुम्हारा, उसके अंदर का सबसे छोटे में छोटा स्टोरेज यूनिट है उसे हम लोग बिट कहते हैं, दैट इज बाइनरी डिजिट। अब ये जो तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे स्क्वायर में जो 1 लिखा है मैंने, ये जो एक ब्लॉक है इसे तुम लोग एक बिट कह सकते हो। या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 1 हो सकता है। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में सारी की सारी चीज़ें इंटरप्रेट करता है। तो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे जीरोज एंड वन के कॉम्बिनेशंस होंगे जो एट द एंड कुछ ना कुछ इंटरप्रेट करते होंगे, राइट? सो यहाँ पे जो तुम लोग देख रहे हो ये एक बिट है। अब एक बिट के अंदर या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। इसी तरह ये जो एक बिट है इसको मैं इंटू 8 कर दूँ, मतलब कि 8 बिट जो होता है ना वो एक बाइट बनाता है। तो यहाँ पे जो तुम लोग देख रहे हो 0 1 1 0 1 1 0 1, ये एक एग्जाम्पल है एक बाइट का। ओके, तो एक बाइट है ना ऐसा दिखता है जिसमें 8 बिट्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब इसी चीज़ को अगर मैं इंटरप्रेट करूँ डेसिमल लैंग्वेज में, डेसिमल में रियल टाइम में, डेसिमल में अगर मैं इसी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करूँ 0 1 1 0 1 1 0 1, वो 109 बनता है। सो जस्ट इमेजिन, जब तुम लोग 109 लिखते हो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, तो कहीं ना कहीं बैक एंड में वो ऐसे कॉम्बिनेशन बना देते हैं 0 1 1 0 1 1 0 1 के, राइट? एंड ये जो तुम लोग देख रहे हो ये एक बाइट है जिसके अंदर 8 बिट्स हैं। इसी एक बाइट को अगर मैं इंटू 1024 कर दूँ, मतलब कि 1024 बाइट, तो वो 1 किलोबाइट बन जाएगा, दैट इज 1 KB। एंड इसी तरह जो 1 KB है उसको मैं इंटू 1024 कर दूँ तो वो बन जाएगा 1 MB, दैट इज़ 1 MB। सो जस्ट इमेजिन कि तुम्हारा जो 1 MB का डेटा होता है उसके अंदर कितने सारे 0 1 1 0 के कॉम्बिनेशंस होंगे और वो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, राइट? उल्टा हमारे कंप्यूटर के अंदर तो इतनी बड़ी बड़ी स्टोरेजेस होती है GBs में, TBs में, कि उसके कितने सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर होंगे, कितने लाखों करोड़ों बिट्स तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर होंगे। सो दैट्स द मेन रीज़न वाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि आजकल जो कंप्यूटर है उसमें स्टोरेज इतनी बढ़ चुकी है कि कहीं ना कहीं ये जो स्टोरेज है, जो स्पीड है सारे के सारे एग्जीक्यूशन की, वो स्लो पड़ जाती है। अब क्यों स्लो पड़ती है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, बट उसके पहले तुम लोग की इमेज देखो। जस्ट इमेजिन कि ये तुम्हारी कंप्यूटर स्टोरेज ही है और इसमें जो ये तुम लोग एक स्क्वायर देख रहे हो ना, वो एक स्क्वायर एक बाइट बनता है, मतलब कि एक स्क्वायर के अंदर 8 बिट्स हैं। एंड इसी तरह के तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे बाइट्स है तुम्हारे आंखों के सामने। अब ये सिर्फ एक थियोरेटिकल इमेज है, प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं होता तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर। प्रैक्टिकल में तुम लोग ऐसे सब नहीं देख सकते तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि बिना डेटा स्ट्रक्चर के जो तुम्हारा डेटा है वो कैसे स्टोर होता है तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर। सो इट इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल, सी लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, जिसमें मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं। एक है इंट A1 जो कि है 5, एंड दूसरा है इंट A2 दैट इज 4। तो इंट A1 जो है वो बाइनरी में कुछ इस तरह दिखता है 0 0 0 0 0 1 0 1, ठीक है? एंड ये है 4 का बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन। अब जस्ट इमेजिन कि जब तुम लोग ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो ये मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, मेमोरी में डायनामिकली वो कहीं पे भी स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे जो है तुम्हारा 5 यहाँ पे स्टोर हो गया एंड तुम्हारा जो 4 है वो यहाँ पे कहीं पे स्टोर हो गया। ओके, एंड अब जस्ट इमेजिन जब तुम लोग इसे एक्सेस करोगे, जब तुम लोग इसे प्रिंट करोगे या एक्सेस करोगे कहीं से, तो बैक एंड में
कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले वो ये तीन लाइन को चेक करेगा एंड फिर इस चौथी लाइन में आके वो इसे फाइंड करेगा एंड एक्सेस करेगा। सिमिलरली फॉर द फोर, वो सारी की सारी इस लाइन को इंटरप्रिट करने के बाद वो इस फोर के पास आएगा एंड उसके बाद वो एक्सेस करेगा। सो ये तो सिर्फ दो वेरिएबल का एग्जाम्पल है, अगर ऐसे हज़ारों वेरिएबल्स जब तुम लोग एक्सेस करते हो तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर, तो जस्ट इमेजिन कि कितने सारे लाइंस ऑफ कोड उसे इंटरप्रिट करने पड़ते हैं, कितने सारे मेमोरी ब्लॉक्स को उसे चेक करना पड़ता है एंड फिर तुम्हारे पास डेटा आता है उसका। यही चीज़ जो है डेटा स्ट्रक्चर उसे सिंपल कर देता है एक्सेस करने में। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो इस डेटा को एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करता है, जैसे हम जब उसे एक्सेस करने जाएं तब तो वो इजीली एक्सेस हो जाए और उसका इफेक्टिव यूज़ हो। ओके, सो जैसे तुम लोगों ने एरे के बारे में तो सुना ही होगा, सुना क्या, पढ़ा ही होगा तुम्हारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो एरे इज़ द बेसिक काइंड ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर फॉर यू। अब इसी एग्जाम्पल को अगर मैं एरे में करता तो वो कुछ इस तरह होता। सो यहाँ पे मैंने एक एरे ले लिया इंट ए जिसकी साइज 3 रख दी मैंने, और उसके अंदर तीनों के अंदर मैंने एक एक वैल्यू डाल दी। अब ये वाली जो वैल्यू है वो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर कैसे स्टोर होगी वो देखो। पहले वाले के अंदर 5 जो है वो स्टोर होगा, उसके एग्जैक्ट बाद जो है 4 स्टोर होगा एंड उसके एग्जैक्ट बाद जो है 7 स्टोर हुआ। यहाँ पे डायनामिकली उसने कहीं पे भी स्टोर नहीं किया, यहाँ पे उसने सिक्वेंशियली स्टोर किया, क्योंकि एरे जो है वो सारे का सारे डेटा जो है वो सिक्वेंशियली स्टोर करता है। ओके, सो दैट्स वाई अगर तुम लोग अभी इसे एक्सेस करोगे तो वो सबसे पहले ये तीन लाइन सर्च मार लेगा, लेकिन जैसे ही उसको ये 5 मिल जाएगा ना, उसके बाद वो यहाँ पे रुक जाएगा। उसे पता है कि 5 के बाद 4 ही है एंड 4 के बाद 7 ही है, तो वो वापस से ऊपर जाके वापस से सर्च मारना चालू नहीं करेगा। एंड दैट्स इज द मेन एडवांटेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तुम लोग बिना डेटा स्ट्रक्चर के जब वेरिएबल्स ऐसे ही डिक्लेयर करते रहते हो और कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करते हो, तो तुम्हारी जो प्रोग्राम है या तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है सारी चीज़ें एक्सेस करने में। जबकि तुम लोग ये सेम चीज़ विथ डेटा स्ट्रक्चर करते हो तो तुम्हारी एग्जीक्यूशन स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। एंड अगर तुम लोग सोचो कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके अंदर इतना बड़ा बड़ा डेटा है, अगर वो बिना डेटा स्ट्रक्चर के ये सारी चीज़ें करते हैं तो उनकी एप्स जो हैं, उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो सारे स्लो काम करने लगते हैं। इस वजह से जो है जो डेटा स्ट्रक्चर है उसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है, उसके अलग अलग एल्गोरिदम्स बनाए जाते हैं। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एरे ही डेटा स्ट्रक्चर है, एक्चुअली बहुत सारे और डेटा स्ट्रक्चर है लाइक एरे, लिंक्ड लिस्ट, क्यू, स्टैक, बाइनरी ट्री एंड मैनी मोर। सो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आगे जाके देखेंगे इसी सीरीज में, बट आज के लिए आई होप कि तुम लोगों को ये पता चल गया हो कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए एंड क्यों इतने सब लोग बोलते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सीखने चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द